नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर के एडवाइस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप MS Word में इस प्रकार के डिजाइन किस प्रकार यहाँ पे आप बना सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आपको इस तरह से डिजाइन बनाने के लिए मैं सिंपल सा यहाँ पे कंट्रोल एन से यहाँ पे मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ। इस प्रकार से दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक न्यू पेज ले लिया। दोस्तों, इसके बाद सिंपल सा आपको इंसर्ट में जाना है। दोस्तों, इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वर्ड आर्ट का। दोस्तों, इस वर्ड आर्ट पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों, आपको यहाँ पे सारी आपको यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डिजाइन ले लेता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो सर्कल वाली दोस्तों वो यहाँ पे मैं कर, जैसे कि मैं यहाँ पे जो इस पे है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो सर्कल वाली डिजाइन, हमको ये जो थर्ड नंबर की, इस पर हमको यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे कुछ भी लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर लिख देता, जैसे कि मैं दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर की एडवाइस लिख दिया। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे कंप्यूटर के एडवाइस लिख दिया। दोस्तों, उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। दोस्तों, ओके पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिले। दोस्तों, इसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे जाना है टेक्स्ट वार्पिंग में। दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पे इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों, इस प्रकार से क्लिक करने के बाद आपको इसको आप सेट करना है। जैसे कि मैं इसको थोड़ा नीचे लिया था। दोस्तों, नीचे लाने के बाद आपको एक यहाँ पे जो हल्की सी आपको यहाँ पे विंडो देखने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सिंपल से आपको माउस को यहाँ पे लाना है दोस्तों, इस प्रकार से। और दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको यहाँ पे साइज वगैरह भी सेट कर सकते हो, या फिर दोस्तों इसको यहाँ पे बड़ा हमको ऊपर करना हो दोस्तों, सिंपल से हमको यहाँ पे माउस लाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आपको एरो यहाँ पे ग्रीन कलर का इस प्रकार से एरो देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस पर हमको यहाँ पे माउस से लेफ्ट क्लिक करके और इस प्रकार से हम इसके ऊपर इस प्रकार डिजाइन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, हमको यहाँ पे फिर से नीचे लाना है दोस्तों, और इसकी जो यहाँ पे लंबाई है दोस्तों, वो हम यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आके इसकी लंबाई को भी हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ दोस्तों। इसके बाद हमको इस प्रकार से इसका साइज इधर से भी बढ़ा देना है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे हम मैं यहाँ पे सेट करके इसका साइज में इधर से भी यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। इस प्रकार से मैं इसका साइज इस प्रकार से मैंने दोनों साइड से यहाँ पे बढ़ा दिया। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, इस प्रकार से हम यहाँ पे सर्कल में इसको डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमको यहाँ पे और दूसरा वर्ड यहाँ पे करना है। दोस्तों, इस सिंपल से हमको इधर क्लिक करना है। दोस्तों, इधर क्लिक करने के बाद हमको इंसर्ट पर फिर से क्लिक करना है दोस्तों, और वर्ड आर्ट पर क्लिक करके हमको यहाँ से बहुत सारी डिजाइन देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे इस प्रकार इस पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, फिर मैं यहाँ पे कंप्यूटर की एडवाइस लिखता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर की एडवाइस, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की एडवाइस यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया दोस्तों। इसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है दोस्तों। इस प्रकार से ओके पर क्लिक करके फिर से आपको यहाँ पे टेक्स्ट वार्पिंग भी क्लिक करके इंट ऑफ फॉन्ट पर क्लिक करके दोस्तों, इस प्रकार से आपको इसको भी यहाँ पे सेट कर सकते हो दोस्तों। इसको सेट करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद इसकी जो परछाई आपको देखने को मिले दोस्तों, आप उसको यहाँ पे सेट कर पाओगे कि हमके हमको किस प्रकार से यहाँ पे चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। तो दोस्तों, मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे 3D इफेक्ट पे क्लिक करना है दोस्तों। 3D में आप इनको यहाँ पे 3D में भी इस प्रकार से यहाँ पे बना सकते हो दोस्तों। इस प्रकार से जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस प्रकार जैसे मैं यहाँ पे कोई सा भी एक 3D मॉडल यहाँ पे ले लेता हूँ दोस्तों। इस प्रकार से आप ये बनाना चाहते हो तो ये भी बना सकते हो, या फिर इस प्रकार से आप सिंपल वाला डिजाइन भी यहाँ पे बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ये डिजाइन है दोस्तों, ये मैं यहाँ पे इस पर ओके कर देता हूँ। इस प्रकार से आप यहाँ पे इनको बना सकते हो दोस्तों। हमें यहाँ पे और भी डिजाइन करना है दोस्तों, सिंपल सा हमको यहाँ पे इंसर्ट पर फिर से क्लिक करना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे वर्ड आर्ट पर क्लिक करके दोस्तों, यहाँ पे मैं कोई से भी डिजाइन ले लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे वाली डिजाइन ले जाता हूँ दोस्तों। इसके बाद मैं सिंपल से यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब, जैसे कि मैं यहाँ पे सब्सक्राइब, इस प्रकार से दोस्तों मैं यहाँ पे सब्सक्राइब लिख देता हूँ। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब लिख दिया दोस्तों। इसको लिखने के बाद मैं सिंपल से यहाँ पे ओके पर क्लिक करते हैं दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट वार्पिंग क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको यहाँ पे सेट कर लेना दोस्तों। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लाके इसकी जो लंबाई है दोस्तों, वो आप इस प्रकार से यहाँ पे बढ़ा सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आप दोनों साइड से इसको बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे दोनों साइड से इसको बढ़ा देता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से बढ़ा सकते हो दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पे 3D में इसको भी करना है दोस्तों। आप इसको भी यहाँ पे 3D में इस प्रकार से कर सकते हो, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे इसकी जो छवि है दोस्तों, वो यहाँ पे आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे हमें जो भी ठीक लगे आप यहाँ पे बना सकते हो। इस प्रकार से मैं यहाँ पे जो हमारी सेकंड वाली दोस्तों, मैं यहाँ पे सेकंड वाली पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको डिजाइन कर सकते हो दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद है। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।